था, एक छोटे स्कूल में जाता था, सनातन धर्म स्कूल था शहर रावलपिंडी में, उसकी बड़ी धुंधली सी याद है। दिल्ली आके फिर हम दिल्ली पब्लिक स्कूल एक था जी। वो उस जमाने में मथुरा रोड पर है जी, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल जिसे जेडी टाइटलर, ये जो जगदीश टाइटलर है इनके पिता गृहस्थ जिम टाइटलर वो चलाते थे, और ये स्कूल जो था जहाँ नॉर्थ एवेन्यू में अभी एमपी क्वार्टर्स हैं वहां तंबुओं में था। तो हमने तंबुओं से अपनी शुरुआत की। मद्रास रोड पे स्कूल आया तो हमारा नंबर फिर भी तंबू में आया, फिर कमरा नहीं मिला हमें। तो अब मैं कुछ देर के लिए दिल्ली पब्लिक स्कूल गया, उसके बाद मेरे पास ट्रांसफर हो गई तो मुझे दूसरे स्कूल में जाना पड़ा। बहरहाल मैंने अपनी ग्रेजुएशन करके मैं वेस्ट चला गया। तो लेकिन इस वेस्ट में किस जगह गया? मैं जर्मनी में हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और लिंग्विस्टिक्स में काम किया है। जर्मन मेरी वैसे ही भाषा है जैसे मैं हिंदी या अंग्रेजी या पंजाबी, जितनी खराब वो बोलता हूँ उतनी खराब जर्मन। उससे पहले शुरू से ही घर में, क्योंकि फादर बहुत पढ़े लिखे थे, तो घर में माहौल जो था वो लिटरेचर का था, म्यूजिक का था। मेरे फादर खुद क्लासिकल म्यूजिक जानते थे तो अपने लिए बैठ के गाते थे हारमोनियम पे शाम को जब वक्त मिलता था। ब्यूरोक्रेट थे तो वो जो चीज़ें हैं वो आपके कानों में पड़ती रहती है। तो जब शुरू से स्कूल में जाते थे तो हमारे घर में भाषाओं पे ध्यान दिया जाता था, उच्चारण पे ध्यान दिया जाता था। तो जब स्कूल में गए तो अब टीचर ने कहा आप पढ़िए, तो आपका क्योंकि प्रोनाउंसिएशन बेटर था तो टीचर ने कहा अच्छा ये नाटक है आप खड़े होकर पढ़े। अब पढ़े तो तारीफ भी की टीचर ने, तालियां बजी तो आपको जरा हवा मिली। दूसरी बात जब परफॉर्मिंग आर्ट्स में आते हैं कि हमारा जो देश है वो मॉडर्न थिएटर का देश नहीं है, वेस्ट में मॉडर्न थिएटर होता है, हम लोग फोक थिएटर का देश है। यहाँ नौटंकी होती है, यहाँ पे यात्रा होती है, बंगाल में, महाराष्ट्र में तमाशा है, गुजरात में मवई है, सो हर इलाके, साउथ में कथकली है, तो हर इलाके का अपनी फोक कल्चर है। और वो फोक कल्चर जो होती थी वो जो है मनी ऑफ द मैनी, हजारों लोग शाम को देखने आते थे, खाना वाना खा के। अब रामलीला जैसे रामलीला हमारे यहाँ 10 दिन चलती है और वो 10 दिन जो है वो एक मेले का माहौल होता है। उसमें किसी स्टेट सब्सिडी की आपको जरूरत नहीं थी क्योंकि उन्होंने पैसा थाली घुमाई तो किसी ने 1 रुपए डाला, किसी ने 2 रुपए डाला, वो 10 दिन जो है कितने हजार कितने लाख लगे वो पब्लिक से ही आ जाते हैं। तो वो 10 दिन के लिए हमारी वो जो कला जिसे आप वेस्टर्न टेक्निक में ब्रश का एलिनेशन इफेक्ट करते हैं कहते हैं, वो एलिनेशन इफेक्ट हमारी नौटंकी में है। जब एक्टर को मालूम होता है मैं राम नहीं हूँ यार, मैं तो राम बना हुआ हूँ या मैं हनुमान बना हुआ हूँ, आई एम नॉट ए किंग। तो ये जो है हमारी सभ्यता की सबसे बड़ी, तो हम पे भी इन्फ्लुएंस हुआ। सबसे पहला इन्फ्लुएंस होता है मोहल्ले की रामलीला का था। आपने रामलीला देखी तो मन में आ गया मैं भी कर सकता हूँ, तो पहले हम रामलीला में घुसे और रामलीला में घुस के पहले भीड़ भाड़ में नंबर आया। फिर अपनी एक तमन्ना थी कि भाई भरत का रोल मिल जाए, तो किसी तरह हमें भरत का रोल मिल गया। उसमें कोई खुश हो के कोई कहता है ये 2 रुपये भीमसेन चक्की वाले भरत के रोल करने वाले के गोली इनाम में देते हैं, और आप अपना मुकुट कुछ पहने हुए आके थैंक यू करते थे उसका। तो ये आप इस कल्चर से निकले हुए हैं। तो मॉडर्न थिएटर हमारे यहाँ हो रहा था, लेकिन मॉडर्न थिएटर बड़ी रिसेंट चीज़ है हमारे यहाँ। और मॉडर्न थिएटर अगर आप देखें तो हमारे यहाँ कोई बहुत प्लेस लिखे नहीं है। तो जब हम थिएटर में आए तो ये कर रहे थे, तो धीरे धीरे यहाँ दिल्ली में 57 में हिंदुस्तानी थिएटर की नींव पड़ी, जो पहला प्रोफेशनल थिएटर था जिससे बेगम कुलसिया जैदी और बेगम पटौदी ने शुरू किया। और क्या नाम था उसका? हिंदुस्तानी थिएटर। और हिंदुस्तानी थिएटर का काम था कि संस्कृत क्लासिक्स को आम जबान में हिंदी उर्दू में करके पब्लिक तक पहुँचाया जाए। और वो थिएटर बिलाई रोरकेला के माइंस के लेबरर्स के पास भी गया। मैं बहुत छोटा था तो मैं 57-58 में तो सिर्फ उसको देख सका, 61 में मैं उस थिएटर में गया और एम एस सत्यू रिहर्सल कर रहे थे शंकर मार्केट में। तो मेरे बड़े भाई ने कहा भाई तुम सत्यू को मिल लो, मेरे बड़े भाई उस थिएटर में थे। तो हमने कहा भाई हमें अब रोल मिलना चाहिए, अब हम रामलीला से ग्रेजुएट कर गए, बड़े एक्टर हो गए। तो हमें वहाँ पे सत्यू ने कहा आप आते रहिए, अब जैसे नए एक्टर के साथ होता है आप रिहर्सल बैठ जाते थे कुछ नहीं। पर हमारी किस्मत अच्छी थी, एक एक्टर थे राम सेठी जो बाद फिल्मों में
घूंघट फिल्म उन्होंने डायरेक्ट भी की, प्रकाश मेहरा के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर है, और एक बड़ा प्यारे लाल का बड़ा अमिताभ बच्चन के साथ बड़ा मशहूर रोल भी किया नटवर लाल में या किसने। तो राम सेठी बम्बई भाग के, उनका रोल खाली हो गया तो हमें खाली से खाली में रोल मिल गया। तो 1962 में पहली बार सत्रह होश में हमें हिंदुस्तानी थिएटर के अंदर काम करना।